ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बालकांड से विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेक बाल लीलाएं दिखाना आरंभ किया और वैसे ही जिस तरह अयोध्यावासी अर्थात साकेतपुर के लोग जो जिस प्रकार से सुखी हों कृपानिधान भगवान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। और देखिए यहाँ वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर उन्हें प्रभु भी छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। इस प्रकार अत्यंत सुखपूर्ण अयोध्या में जीवन जीते जी रहे हैं। और आगे क्या हुआ अब तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनह मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरहि देखत यज्ञ निसाचर धावही करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि घादि तनय मन चिंता व्यापी हरि विनु मरहि ना निसचर पापी तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतारेव हरन महि भारा यहु मिस देखौ पद जाई कर भिनती आनो धो भाई ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरि नयना बहुविधि करत मनोरथ जात लागि नहीं भार कर मज्जन सरव जल गए भूप दरबार। अब कथा को आगे ले जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी खुद यहां बता रहे कि यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी अर्थात यहां देखिए यह सब चरित्र यहां तुलसीदास जी खुद बता रहे कि यह सब चरित्र मैंने गाकर मतलब बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। अब सबको बता रहे कि आगे की कथा और भी आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम मतलब जहां पवित्र आश्रम जानकर जहां बसते थे वहां आगे क्या हुआ हम देखेंगे। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही देखत यज्ञ निसाचर धावही करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। देखिए जहाँ ये मुनि लोग हैं ऋषि हैं जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे तुरंत वहाँ मारीच और सुबाह से बहुत डरते थे। क्यों? यज्ञ आदि देखते देखते ही सारे राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे क्योंकि इनका जो दैनंदिन कार्य करना है वो कार्य उनको राक्षस लोग हमेशा विघ्न डालते रहते हैं। अब क्या हुआ देखिए। घादि तनय मन चिंता व्यापी हरि विन मरहि ना निसचर पापी
तब मुनिबर मन कीन है बिचारा, प्रभु अवतरीव हर नमहि भारा। गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस है ना, भगवान के मारे बिना नहीं मारेंगे, क्योंकि इनको मारना हमारी बस की बात नहीं है। तब श्रेष्ठ मुनि अर्थात विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहते हैं, मुनि विश्वामित्र ने मन में यह विचार किया है कि प्रभु श्रीमन्नारायण ने पृथ्वी का भार हरने हेतु अब अवतार लिया है। यहु मिस देखौं पद जाई, कर बिनति आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। देखिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का भी यही इच्छा है कि इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं। प्रभु श्रीमन्नारायण मतलब इस संपूर्ण जगत के एकमात्र पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण अभी राम के रूप में अवतार धारण किया है, तो मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के दाम है, भगवान क्या नहीं है, सब कुछ वहीं पे है, उन प्रभु को मैं भरकर मतलब भरपूर देख लूंगा, मतलब मन भर के देख लूंगा। देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी अनेक वर्षों से इंतजार करते रहते कि प्रभु का दर्शन एक पल भी मिले तो बहुत अच्छी बात। अब यहां इस बहाने मैं प्रभु का दर्शन करूं। बहु विधि करत मनोरथ जात लागि नहीं बार, करि मज्जन सर्व जल गए भूप दरबार। देखिए बहुत प्रकार से मनोरथ करते, मन में अनेक इच्छाएं हैं, ऐसे जाने में देर नहीं लगी। देखिए इससे ये ऐसे सोचा जाऊं ऐसे वो लगभग अयोध्या पहुंच गए हैं। इसका मतलब तत्कालीन समय में उनके लिए यातायात की जो ट्रैवलिंग वाली जो सुविधाएं बात करते हैं उनके पास क्या है, मतलब हमारे ऐसे भारत देश वर्ष हैं, यहाँ बहुत चीज पुराने जमाने से ही हमारे पास थी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे आते आते ही सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करके अयोध्या में राजा के घर तक पहुंच गए हैं। इसी का मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूं इस पद का। देखिए अब तुलसीदास खुद कह रहे हैं, यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन को शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहां मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, लेकिन वहां मारीच और स्वभाव से बहुत डरा करते थे। क्यों? यज्ञ देखते ही राक्षस आकर इतने उपद्रव मचाते थे जिससे सारे मुनि ऋषि बहुत दुख पाते थे। तब क्या हुआ, गादी पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप गई कि भगवान के मारे बिना ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि अर्थात ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मुनि ने मन में विचार किया है कि प्रभु ने पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतार धारण कर लिया है, अब मैं इस बहाने इन राक्षसों को मारने के लिए बुलावा देने, ये एक बहाना है, मतलब इस बहाने मैं प्रभु श्रीमन्नारायण श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को मैं यहाँ लिवा लाऊं, जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के दाम है। हम तो चार धाम की यात्रा करते हैं, प्रभु के सामने ही सब धाम है, मतलब ऐसे प्रभु ही स्वयं यहाँ अयोध्यापुर में
राजा दशरथ जी के आंगन में बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। तो अब विश्वामित्र जी सोच रहे कि मैं वहां जाकर मैं उन्हें नेत्र भर कर देखूंगा। देखिए, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना, मतलब देखिए प्रभु दर्शन के लिए किस प्रकार के लोग तरसते रहते हैं और बहुत प्रकार से मनोरथ करते, मन में अनेक इच्छाएं सोचते सोचते, अब जाने में क्यों देरी करें, ऐसे यूं सोचा और यूं वहां पहुंच गए हैं। सरयू नदी के जल में स्नान करके पवित्र होके वे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।